गुड मॉर्निंग क्लास आई एम डॉक्टर स्वाति सक्सेना योर फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर स्टार्टिंग अबाउट बैक्टीरिया वायरस एंड फंगाई तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड विद बैक्टीरिया तो टूडे वी विल स्टार्ट विद वायरस तो वॉट आर वायरसेज अभी आज कल कोरोना वायरस है तो आप लोग बहुत ज़्यादा ये नाम सुन रहे हो गए वायरस वायरस तो वॉट इज वायरस तो लेट अस नो अबाउट वायरस दैट वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट दैट रिक्वायर लिविंग होस्ट इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई एंड बीइंग अलाइव कहने का मतलब ये है कि वायरस सबसे छोटे जन, जीव जंतु जैसे होते हैं उसी तरह से ये सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्टिव होते हैं मतलब किसी में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइड का मतलब ये है कि वायरस अगर ह्यूमन बॉडी में नहीं है या किसी भी लिविंग बींग की बॉडी में नहीं है तो फिर ये इनएक्टिव रहते हैं बट ये जब किसी भी लिविंग बींग की बॉडी में जाते हैं उसके सेल में जाते हैं तो ये उसके अंदर एक पैरासाइट बन जाते हैं मतलब ये उसको अपना घर बना लेते हैं और घर बनाने के बाद ये जो होस्ट सेल होता है मतलब जो जिसकी बॉडी में गए हैं उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं उसके सेल को ख़राब कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी में अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और ज़्यादा बढ़ाता है इसलिए इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइड मतलब ये सेल के अंदर जाके अपना घर बना लेता है दैट रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई एंड बींग अलाइव वायरस की ये खास बात होती है कि जब तक कि ये किसी भी लिविंग सेल के अंदर नहीं होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है बट जैसे ही ये किसी भी बॉडी के लिविंग बींग में आता है किसी बॉडी के लिविंग सेल में आता है ये मल्टीप्लाई होने लगता है और ये ज़िंदा हो जाता है तो वायरस इज़ आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव इंट्रा सेलुलर पैरासाइड दैट रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई एंड बींग अलाइव ये एक पर्टिकुलर फीचर है वायरस का ही ये और किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा कि जब तक ये किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं होते हैं जब तक ये किसी भी लिविंग सेल की बॉडी में नहीं होते हैं ये इनएक्टिव ही रहते हैं बट ये जैसे ही किसी भी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं आइदर वो ह्यूमन बींग्स की हो एनिमल्स की हो ये लिविंग कंडीशन में आ जाते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं रिप्रोड्यूस करने लगते हैं आ, ये कुछ टाइप के वायरसेस हैं जैसे कि हेलिकल स्फेरिकल कॉम्प्लेक्स इसके आगे हम देखते हैं वायरसेस के बारे में वायरस कैन अफेक्ट वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू दैट प्रोटोजोआस ये ह्यूमन बींग्स से लेके छोटे 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 जानवर छोटे छोटे प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं उन सब में भी ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं दे कंप्राइज मेनली ऑफ डी एन एंड आर एन एज जेनेटिक मटीरियल इन अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड और न्यूक्लियो कैप्सिड जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक मटीरियल भरा होता है उसी तरह से जो वायरस हैं उनके अंदर डी एन ए और आर एन ए दोनों तरह के जेनेटिक मटीरियल होते हैं और ये एक कोट के अंदर होते हैं एक प्रोटीन की कवरिंग होती है उसके अंदर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड या फिर न्यूक्लियो कैप्सिड दिस कैप्सिड इज़ समटाइम्स सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन कॉल्ड एनवेलप इस कैप्सिड को कभी कभी प्रोटेक्शन देने के लिए किसी किसी वायरस में उसके ऊपर से एक लिपिड मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है यानी लिपिड्स की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरॉलॉजी वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोला जाता है वायरस शेप एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ वायरल न्यूक्लियो कैप्सिट देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ वायरसेज अगर हम इसकी बात करें कि वायरस की शेप या स्ट्रक्चर आप कैसे डिटरमाइन करोगे तो वायरस के ऊपर जो न्यूक्लियो कैप्सिड प्रेजेंट होता है उसका जो शेप होता है उसके अकॉर्डिंग हम वायरस की शेप डिटरमाइन करते हैं तो इसमें पहला है, है हेलिकल वायरसेस तो हेलिकल वायरसेस में होता है कैप्सोमेयर होते हैं जो कि स्मॉल यूनिट ऑफ कैप्सिड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया जिसके अंदर डी या आर या, 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 या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो जो कैप्सोमेयर्स होते हैं दे आर अरेंज हेलिकली अराउंड द वायरल जीनोम। ये हेलिकल शेप में डीएनए uh, और आरएनए के अराउंड प्रेजेंट होते हैं गिविंग द वायरस एन एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये वायरस को ये एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये जो न्यूक्लिक एसिड है अंदर इसके बाहर ये जो कैप्सिड है ब्लू कलर का या इसको हम कैप एक सिंगल को हम कैप्सोमेयर बोलेंगे पूरे को हम कैप्सिड बोलेंगे ये एक हेलिकल अमाउंट में प्रेजेंट है इसीलिए ये वायरस जो है ये हेलिकल वायरस है नेक्स्ट कम्स द हाइकोसाइड्रल वायरस आइकोसाइड्रल वायरस जो है दीज टाइप्स ऑफ वायरसेस कंटेनिंग ट्वेंटी इक्वेलेट्रल ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एंड ट्वेल्व वर्टसेज गिव्स द वायरस अस्फेरिकल शेप ये जो वायरस है ये मेनली स्फेरिकल शेप का होता है या ये आप कह सकते हो इसमें 20 इक्वलीटरल ट्राइंगल होते हैं और 12 वर्टिस होते हैं जो इसको एक आइकोसहाइड्रल शेप देता है तो ये जो ग्रीन कलर का वायरस आपको दिख रहा है ये आइकोसाइड्रल वायरस है इसके अंदर न्यूक्लाई है न्यूक्लाई का मतलब वही न्यूक्लिक एसिड है और बाहर ये कैप्सिड है या कैप्सोमियर है नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स वायरस सम वायरसेस लाइक पॉक्स वायरस एंड बैक्टीरियो फेज पजेज कम्प्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड दस ग्रूप डेज कॉम्प्लेक्स वायरस ये ऐसा वायरस है जो यूजली आपने टी वी में पिक्चर्स में मूवीज़ में ये सब आपने देखा होगा क्योंकि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है बट ये एक अलग ही शेप को एक्वायर करते हैं ये अलग सी शेप जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो इसको आप कोई एक शेप नहीं बोल सकते इसका एक अलग ही शेप है तो ऐसे वायरसेस जो कई सारे शेप्स में होते हैं और अलग ही अपनी शेप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस इस वायरस में भी आपको हेड दिखाई दे रहा है नेक है कॉलर है विस्कीज हैं तो दीज आर द टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ वायरसेस नेक्स्ट कम्स द लाइफ साइकिल एंड रेप्लीकेशन ऑफ वायरस जैसा कि मैंने आपको बताया वायरस की लाइफ की बात हो या उनके रिप्रोड्यूस होने की बात हो वो एक एक्टिव सेल रिक्वायर करते हैं मतलब एक एक्टिव ह्यूमन बॉडी या एक्टिव एनिमल सेल कोई भी उनको चाहिए होता है लिविंग सेल जिसमें कि वो जाकर अपनी लाइफ साइकिल बढ़ा सकें और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकें द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस इज स्टडीड यूजिंग बैक्टीरियो फेजेस बैक्टीरियो फेज का मतलब है जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर किसी बैक्टीरिया के अंदर गया और बैक्टीरिया को उसने अपना होस्ट सेल बनाया और वो खुद उसके अंदर पैरासाइट बना बैक्टीरियो फेज इज़ अ वायरस विच पैरासाइट पैरासाइट्स बैक्टीरियम बाई इन्फेक्टिंग इट एंड रिप्रोड्यूसिंग इन इट इसका मतलब है जो वायरस है उसने अपने अप, उसने कोई बैक्टीरिया चुना अपने लिए उस बैक्टीरिया को उसने इन्फेक्ट किया उस बैक्टीरिया के अंदर गया और उस कं उसमें जाके उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो फेज मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्टेड हो तो वायरल रेप्लीकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट होस्ट सेल वायरसेज आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड कैन नॉट रेप्लीकेट अगर वायरस को जैसा कि मैंने बताया कोई होस्ट सेल नहीं मिलता है कोई लिविंग सेल नहीं मिलता है तो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये इनएक्टिव रहते हैं और बैक्टीरिया या कोई भी लिविंग सेल मिलने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियो फेज इज स्टडिड बाय द लिटिक साइकिल एक लिटिक साइकिल होती है जिससे हम बैक्टीरियो फेज की लाइफ साइकिल को पढ़ सकते हैं बैक्टीरियो फेज में हम वायरस की लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं दिस साइकिल है फाइव स्टेजेस उसमें पाँच स्टेजेस होती हैं द फर्स्ट इज अटैचमेंट दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द इंटर इन्फेक्शन प्रोसेस इन विच द स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ वायरस बाइंड विद द होस्ट अटैचमेंट फर्स्ट फेज होती है इसमें जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया को जाके अटैच करता है उससे चिपक जाता है और अपने स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट या अपनी स्पेसिफिक जो उसके पास चीज़ें हैं उसके पास जो एंजाइम्स हैं जिनको वो यूज़ करके बैक्टीरिया के आउटर सरफेस को तोड़ने लगता है या उसकी कवरिंग को ख़राब करने लगता है सो so दैट वो वहाँ से अंदर जा पाए तो दिस फेज इज़ कॉल्ड अटैचमेंट नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप हेयर आयदर द वायरस और वायरल जिनोम एंटर्स इन द होस्ट सेल थ्रू पेनिट्रेशन ये अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर जो वायरस है या फिर जो वायरल का जुनूम है या तो वायरस पूरा का पूरा खुद बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और वो खुद पूरा अगर नहीं जा सकता है तो वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो डी डीएनए और जो आरएनए है वो उसको अंदर भेजता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल द वायरस सिंथिसाइज वायरस जिनुम टू डिग्रेड द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इट देन हाइजैक्स द होस्ट सेल टू रेप्लेकेट अब वो अपना डीएनए और आरएनए अंदर भेज चुका है होस्ट सेल के बैक्टीरिया के अंदर वो भेज चुका है तो अब वहाँ पर जाके ये अपने डीएनए और आरएनए को बड़ा करेगा उसको रेप्लीकेट करेगा उससे और ज़्यादा डी एन बनाएगा और धीरे धीरे करके बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल क्रोमोजोम है जो खुद का बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है ये उसको खत्म कर देगा और धीरे धीरे करके बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को ये हाईजैक कर लेगा अपने अंडर में ले लेगा क्योंकि अब बैक्टीरिया का क्रोमोजोम खत्म हो चुका है और अब अंदर अगर कोई क्रोमोजोम बचा है तो वो सिर्फ वायरस का बचा है नेक्स्ट कम्स द मैचुरेशन इन दिस फेज न्यू वायरॉन्स आर क्रिएटेड इस फेज में नए वायरसेस बनते हैं नए वायरसेस बनते हैं या नए वायरसेस का डी एन ए बनता है टू लिबरेट फ्री वायरॉन्स द बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिस्टर्पटेड बाई फेथ प्रोटीन्स सच एज होलिन और लाइजोजोम अब बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए वायरस को कोई ना कोई एंजाइम की ज़रूरत होती है कोई सी न किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तब होलिंग या लाइसोजाइम एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ते हैं वायरन्स और ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड एक्स्ट्रा सेलुलरली वायरन्स जो होते हैं ये मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं मतलब ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं होते सेल के बाहर होते हैं सो so दैट ये बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में जाकर घूम सकें उनके सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें और बैक्टीरिया को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर सकें नेक्स्ट कम्स द रिलीज़ दिस इज़ द फाइनल स्टेज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैच्येशन के बाद जब वो जो वायरॉन्स हैं ये बैक्टीरियल सेल के बाहर आते हैं तो अब उनका काम है पूरी वायरस के सेल पूरे बैक्टीरिया के सेल में फैल जाना बैक्टीरिया के सेल की बॉडी को खत्म करके उनके बाहर आना और दूसरे बैक्टीरियाज़ को या दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को इन्फेक्ट करना तो दिस इज द फाइनल स्टेज मैच्योर वायरस इज बर्स्ट आउट ऑफ द होल्स सेल इन अ प्रोसेस कॉल लाइसिस एंड द प्रोजेनी वायरसेज आर लिबरेटेड इन टू द एनवायरमेंट टू इन्फेक्ट न्यू सेल्स जैसा कि मैंने बताया जो नए वायरसेज बने हैं जिनको हमने प्रोजेनी वायरस बोला है ये बैक्टीरियल सेल से बाहर आते हैं और पूरी बैक्टीरिया की बॉडी में फैल जाते हैं और बैक्टीरिया की बॉडी को भी खराब करके ये पूरे एनवायरमेंट में फैलने लगते हैं तो दिस इज़ द डायग्राम विच शोज यू ऑल द फाइव फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्लिकेशन ऑफ वायरस फर्स्ट इज अटैचमेंट द सेकेंड वन इज पेनिट्रेशन इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये भी ये सिर्फ बैक्टीरिया इस वायरस की बॉडी पर आके अटैच हुआ है ये उससे सिर्फ चिपका है नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन अब इसने अपना डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया और आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है ये वायरस का डीएनए है और ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये बैक्टीरिया का डीएनए है ना नेक्स्ट कम कैप्सिड्स इसमें अब आप थर्ड वाले में देख सकते हो बायोसिंथेसिस इसने अपने एक बैक डीएनए से कितने सारे डीएनए बना लिए और उसी से नए वायरसेस का भी फॉर्मेशन कर लिया है और साथ ही साथ इसने बैक्टीरिया के क्रोमोजोम जो कि पिंक कलर का था वो अब ख़त्म कर चुका है नेक्स्ट आ रहा है आपका बैक्टीरियो फ़ेज इस बैक्टीरियो फ़ेज में भी आप देख सकते हो जो बैक जो नए वायरसेस बने हैं उनके अंदर डीएनए जा चुका है ये अब नए पूरी तरह से वायरसेस नए वायरसेस बन चुके हैं जिनको हमने वायरियन्स बोला था अब ये वायरन्स धीरे धीरे सेल बॉडी तोड़ के बाहर निकलेंगे और बाकी के सेल को इन्फेक्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं लाइसिस तो दिस वॉज अबाउट द रेप्लिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ वायरसेस या वायरसेस के इन्फेक्शन के बारे में तो so, वायरस किस तरह से स्प्रेड होते हैं तो वायरस इन प्लांट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय इंसेक्ट दैट फीड्स ऑन प्लांट जैसा कि आप जानते हो कि एक इंसेक्ट एक बी जो एक प्लांट पे बैठती है वो दूसरे पे भी बैठती है फिर वो तीसरे पे भी जाती है तो अगर कोई भी बी किसी ऐसे प्लांट पे बैठी है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है और फिर वो जो दूसरे पर बैठेगी तो वो आ, दूसरे वाले को भी इन्फेक्ट कर देगी तो वायरसेज प्लांट में इसी तरह से ट्रांसमिट होते हैं बाई इंसेक्ट्स नेक्स्ट इज़ वायरसेज इन एनिमल्स कैन बी कैरिड बाय ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स दीज ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आर नोन एज वैक्टर्स जैसे कि आप जानते हो मलेरिया uh, या फ्ली वायरस तो ये सारे जो वायरसेस हैं ये किसी ना किसी इंसेक्ट के अंदर होते हैं ये जब इंसेक्ट्स या ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म या ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जो हैं ये जब किसी ह्यूमन बॉडी पे बैठते हैं या फिर किसी एनिमल पे बैठते हैं और उनको जब काटते हैं तो अपने ब्लड उनका जब इंसेक्ट्स का ब्लड इंटरैक्ट करता है एनिमल के ब्लड के साथ तो उसमें इन एनिमल में जो वायरसेस हैं वो सर्कुलेट हो जाते हैं उसके अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो वायरसेस उन एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट कम्स द वायरसेस कैन ट्रांसमिट थ्रू वेरियस वेज एज इन्हेलेशन स्वेलोइंग इंसेक्ट बाइट सेक्शुअल ट्रांसमिशन एंड कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंसेक्ट्स के काटने से ही वायरसेस ट्रांसमिट नहीं होते हैं और भी कई तरीके हैं जिनसे कि वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं जैसे कि इन्हेलेशन मतलब सांस लेने के थ्रू अगर हवा में सपोज किसी को जुकाम हुआ है उस आ, बन आ, उस आदमी ने छीका तो उसके छींकने के बाद जो वायरसेस होंगे वो हवा में आ जाएंगे तो उसी हवा को जब कोई हेल्दी पर्सन इन्हेल करेगा इन्हेलेशन प्रोसेस से तो वो वायरस हवा के थ्रू उसकी लंग्स में चले जाएंगे और उसकी लंग्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे नेक्स्ट इज स्वेलोइंग खाने में खाते समय कुछ खाते समय या हवा में रहने की वजह से ही खाना खाते समय स्वेलो हो सकता है वायरस नेक्स्ट इंसेक्ट बाइट जैसा कि मैंने बताया किसी भी इंसेक्ट के काटने से देन सेक्शुअल ट्रांसमिशन सेक्शुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं एंड कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए या किसी का कॉन्टैक्ट uh, जैसे डॉक्टर्स जो हैं या जो नर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्टेड ब्लड से कॉन्टैक्ट uh, में आने का तो उनको इसीलिए सेफ्टी रखनी चाहिए क्योंकि हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड किसी तरह उनके ब्लड से अगर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो वायरसेस बहुत सारे तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं जैसा कि आज कल कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसका स्प्रेडिंग रेट उसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कई सारे अगर एक आ, लिविंग कोरोना वायरस कहीं पर है तो वो काफ़ी देर तक कई सारी चीज़ों में लिविंग रह सकता है जैसे कि हवा में वो काफ़ी देर तक लिविंग कंडीशन uh, में रह सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन एयर ड्रॉपलेट मेथड से जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर थूका छीका खांसा तो उसमें से वायरस निकल के किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है तो दिस इज़ द कंडीशन हाउ द इज स्प्रेड एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कोरोना वायरस सो मच फेटल सो मच डेंजरस एंड हार्मफुल नेक्स्ट कम्स द डिजीज बाय वायरसेज तो फर्स्ट वन हम इसमें बहुत सारे डिजीजेज होते हैं बट हम कुछ दस ग्यारह uh, के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन है तो फर्स्ट कम्स द एड्स जो कि आप सबने सुना होगा एच आई वी इट इज कॉज बाई एच आई वी दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस इट इज अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इट डिस्ट्रॉयज द इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सनस बॉडी विच रिजल्ट इन डेथ ये जो एच आई वी वायरस है ये एड्स कॉज करता है ये करता क्या है ये बॉडी में अपनी तरफ से जो करता है वो बहुत ज़्यादा बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता है बट ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है तो जो पर्सन है वो उसका इम्यून सिस्टम ख़राब होने की वजह से उस पर्सन की बॉडी वीक होती चली जाती है और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है एंड दिस इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये मोस्टली सेक्शुअली ट्रांसमिशन से ही होता है बट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया अगर कंटामिनेटेड ब्लड uh, भी एक दूसरे से टकराता है या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है ये उससे भी हो सकता है नेक्स्ट कम्स द चिकन पॉक्स इट इज कॉल्ड इट इज कॉज्ड बाई वेरिसला जूस्टर वायरस ह्यूमन एक्सेस इट्स रिजर्वयर इट स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव पर्सन चिकन पॉक्स आप सबने देखा होगा जिस जो पर्सन चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड होता है उसको छोटे छोटे से पूरे चेहरे पर पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं तो ये चिकन पॉक्स जो होता है ये वैरिसेला जूस्टर वायरस एक नाम का वायरस है इससे ये कॉज होता है ह्यूमन एक्ट एज इट्स रिजर्वायर इसका मतलब ये है कि ये अग, मतलब ह्यूमन ही इसका होस्ट सेल होता है ये ह्यूमन के अंदर ही जाके रेप्लिकेट होता है अपनी लाइफ साइकिल प्रोड्यूस करता है और अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में कोई और ह्यूमन बीइंग आ रहा है तो उसको चिकन पॉक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टिव पर्सन नेक्स्ट इज हर इट इज़ कॉज बाय हर पीस सिंप्लेक्स वायरस ह्यूमन एक्ट्स एज इट्स रिजर्वयर अगेन ह्यूमन इसमें रिजर्वॉयर होता है फीवर विद ब्लिस्टर्स कैन भी सीन इसमें बुखार आ जाता है और पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं इट्सप्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव पर्सन ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है नेक्स्ट इज हैपेटाइटिस इट इज़ कॉज बाई हैपेटाइटिस बी वायरस अभी इंडिया में हैपेटाइटिस मोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट इराडिकेट हो चुका है बट एक टाइम था जब हैपेटाइटिस बहुत होता था और उसी वजह से जो अब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें उनको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है इसका हेपेटाइटिस मैंने आपको पहले भी बताया है लिवर का इन्फ्लूमेशन इज़ हेपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस कॉज करता है और इसमें भी ह्यूमन बींग उस वायरस का रिजर्वायर होता है रिजर्वायर का मतलब है कि होस्ट सेल होता है वायरस का और उसी में वायरस अपने आप को रेप्लीकेट करता है और अपनी रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंजा इट इज़ कॉज बाई इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमन एक्टेज इट्स रिजर्वायर इट्सप्रेड्स वेरी फास्ट बेट ड्रॉपलेट्स एंड कॉजेज फ्लू यही जो हल्का खासी ज़ुकाम होता है जिसको नॉर्मली लोग वायरल बोलते हैं कि वायरल फ़ीवर होगा या वायरल होगा ये वही है इन्फ्लुंजा और ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है एंड इसके सारे सिम्टम्स फ्लू जैसे होते हैं एंड ये एक तरह का फ्लू ही कॉज करता है एंड इसमें भी ह्यूमन बींग्स उसके रिजर्वायर होते हैं अगर किसी भी वायरल Uh, किसी भी ह्यूमन बींग को अगर वायरल हुआ है या इन्फ्लुन्जा हुआ है एंड उसके कॉन्टेक्ट में अगर कोई पर्सन आ रहा है सपोज इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है या वो छींक रहा है तो उस वजह से नॉर्मल ह्यूमन बींग को भी हेल्दी ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्शन हो सकता है नेक्स्ट इज मीजल्स इट इज़ कॉज बाय रिबेला वायरस ह्यूमन इसमें भी रिजर्वयर होता है इट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव पर्सन नेक्स्ट इज पोलियोमलाइटिस इट इज़ कॉज बाय पोलियो आर एन ए वायरस पोलियो इज़ अगेन अ डिज़ीज़ जो इन्फेक्शन uh, ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पहले uh, इंडिया में बहुत ज़्यादा था बट अभी हंड्रेड परसेंट इरेडिकेट हो चुका है इसीलिए uh, इतने सारे लोग उसका ऐड करते हैं दो बूंद जिंदगी की करके जो ऐड आता है वो पोलियो का ही है बिकॉज अगेन पोलियो वायरस इज़ अगेन अ वेरी इन्फेक्शियस वायरस जो कि बहुत तेज़ी से लोगों में फैलता है और uh, ये बहुत ज़्यादा ख़राब सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जिसमें कि पर्सन uh, को पैरालिसिस जैसी कंडीशंस भी फेस करनी पड़ सकती हैं

नेक्स्ट is स्मॉल पॉक्स इट caused by बाय वेरियोला वायरस ह्यूमन as its इट्स it इट fever फीवर एंड स्किन ब्लिस्टर्स इसमें भी बुखार आता है और दाँटे हो जाते हैं पूरे शरीर पे जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, होते हैं ये वेरियोला वायरस से फैलता है और ह्यूमन इसका रिजर्वायर है येलो फीवर इट इज़ कॉज्ड बाई फ्लिवाय वायरस ह्यूमन एंड मॉस्कीटो एक्ट एज इट्स रिजर्वायर इट्स स्प्रेड बाय मॉस्टो बाइट एंड इन्फेक्टिव पर्सन टू पर्सन ये मॉस्किटोज uh, के काटने से हो सकता है मतलब मच्छरों के काटने से हो सकता है या फिर किसी अन इन्फेक्ट या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से कोई भी हेल्दी पर्सन अनहेल्दी हो सकता है उसको इन्फेक्शन फैल सकता है लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज कोविड नाइन्टीन जो कि आज का वायरस है जो आज हम फेस कर रहे हैं इट इज़ कॉज बाई नोवल कोरोना वायरस एंड इट इज़ हाईली इन्फेशियस डिजीज़ ये इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है जैसा कि मैंने पहले बताया क्योंकि इसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ज़्यादा है ऑल दो इसका फेटल रेट उतना नहीं है इससे बहुत ज़्यादा डेथ नहीं कॉज होती है जब तक कि किसी पर्सन uh, की एज बहुत ज़्यादा ना हो या तो फिर उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना हो इससे डेथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है बट इन्फेक्शियस रेट इसका बहुत ज़्यादा है ह्यूमन एक्टर्स इट्स रिजर्व वॉयर ह्यूमन बींग्स में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल बनाता है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आ फीवर ड्राई कफ टायर्डनेस मतलब बुखार आना सूखी खांसी थकान होना एक बॉडी पेन होना शोर uh, थ्रोट गला ख़राब होना डायरिया होना लेस कॉमन सिम्टम्स जो आपको इसमें दिखेंगे वो होंगे हेड कंजंक्टिवाइटिस बट सीरियस सिम्टम्स जो आपको इसमें देख सकते हैं वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्निया चेस्ट पेन लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट तो दिस वॉज अबाउट द कोरोना वायरस इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे जितने भी वायरस हैं जिसमें ह्यूमन बींग रिजर्वायर है तो वो वायरसेस एक दूसरे से फैल सकते हैं मतलब एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में बहुत ईजीली फैल सकते हैं बाय आईदर ड्रॉपलेट मैथड मतलब उसके खांसने से उसके छीकने से उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से या सेक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज से तो बी अवेयर ऑफ़ दिस वायरसेस बी सेफ एंड बी अवेयर ऑफ़ कोरोना वायरस स्टे एट होम स्टे हेल्दी ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना जाएं एंड कोशिश करें कि मास्क का कर यूज़ करें बिकॉज अब आप वायरस के बारे में पढ़ चुके हो एंड आई होप आप सबको अब मास्क की सैनिटाइजर्स की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी थैंक यू कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो